हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रेखा यादव आज लेके आई हूँ बेसन वाली मिर्ची की सब्जी। और जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी है। आप इसे पूरी, पराठे, चपाती के साथ में सर्व कर सकते हैं, दाल चावल के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो एक बार इस तरह की इसे ज़रूर बना के देखिए आप। और जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनता है और स्पाइसी भी रहता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये बेसन मिर्ची वाली सब्जी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये मैंने लिया है 250 ग्राम कम तीखी वाली मिर्ची। इसे फ्राई करते हैं और इसका सब्जी भी बनता है। तो मैंने इसे अच्छे से धो लिया है और पोंछ लिया है इसका पानी। और इसमें हम जीरा लगा लेंगे बीच बीच में। और बहुत ज़्यादा अगर तीखा है मिर्ची, बहुत कभी कभी तीखा निकलता है, तो आप बीज निकाल के बनाइए। और कम तीखा है तो आप बीज के साथ में बनाइए। तो ऐसे करके मैं सारी मिर्ची में मैंने जीरा लगा लिया है और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो एक बार ज़रूर आप ट्राई करें। तो मैं ऐसे जीरा सब में लगा लूँगी। तो मैंने मिर्ची को साइड में रख दिया है। एक बाउल ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे 150 ग्राम बेसन। मैंने बेसन को अच्छे से छान लिया है। आप अपने हिसाब से हर एक चीज़ कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे नमक, नमक स्वाद के अनुसार डालिए। और इसमें हम डालेंगे अजवाइन, मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। और इसमें हम डालेंगे हल्दी 2 चुटकी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हर एक चीज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे पानी, अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें कोई लम्स न रहे। और अच्छे से मैं मिला लूँगी। और गाढ़ा घोल बनाना है हमें, ज़्यादा पतला नहीं। तो मैं अच्छे से इसे फेंट लेती हूँ। तो ये मैंने अच्छे से घोल बना लिया है और हमें ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है। अगर आपको लगे कि पतला है तो थोड़ा सा बेसन डाल के गाढ़ा कर सकते हैं। और जो हमने मिर्ची में जीरा लगाया था इसमें हम डाल लेंगे। और हमें मिर्ची का डंठल नहीं निकालना है तो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये मैंने गैस ऑन कर दिया है, गैस पे कढ़ाई रख लिया है, उसके अंदर ऑयल डाल दिया है मैंने। और जो हमने बेसन वाली मिर्ची है इसके अंदर हम डाल के फ्राई कर लेंगे। और आप जो ऑयल खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल में भी बना के देखिए बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है और इसके अंदर हम सारी मिर्ची को डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। गैस को अभी हम मीडियम रखेंगे, मीडियम आंच पे हमें फ्राई करना है। तो मैं ऐसे डाल लेती हूँ। और आप एक बार ज़रूर बना के देखिए ये सब्जी। आप इसे चपाती, पूरी, पराठे के साथ में सर्व कर सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी सब्जी होती है मिर्ची की। तो एक बार ज़रूर बना के देखिए आप। तो मैं डाल लेती हूँ इसके अंदर। तो अभी हम मिर्ची को पलट लेंगे। ये अच्छे से नीचे से पक गया है, फ्राई हो गया है। और पलट के तो हर साइड से हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे थोड़ा गोल्डन होने तक। तो मैं सारी मिर्चियों को ऐसे डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो मैं सारी मिर्चियों को पलट लेती हूँ। तो ये हमारी मिर्ची अच्छे से फ्राई हो गई है और देखिए इस पर गोल्डन कलर आ गया है। तो ये ब्राउन अच्छे से हो गया है फ्राई। और थोड़ा हमें इसे क्रिस्पी फ्राई करना है तो मैं इसे निकाल देती हूँ। सारा ऑयल गिरने देंगे कढ़ाई में। अगर आपको ऐसी मिर्ची को फ्राई करते हुए नहीं जमे तो आप क्या करिए, दो भाग कर लीजिए मिर्ची का और फिर फ्राई करिए। और इसे मैं निकाल लूँगी। जो कढ़ाई में बचा हुआ गिरा है बेसन का चूरा उसे भी हम, बचा हुआ मिर्ची भी हम फ्राई कर लेंगे सेम ऐसे ही। अगर आपको चम्मच से नहीं जमता है मिर्ची डालते हुए तो आप ऐसे बेसन में डिप करते जाइए और डंठल पकड़ के कढ़ाई में आप डालते जाइए और फ्राई करते जाइए। और मैंने बताया कट करके भी आप फ्राई कर सकते हैं। तो मैं इसमें डाल लेती हूँ। ऐसे करके सारे मिर्ची को फ्राई करके हम निकाल लेंगे। तो ये मैंने मिर्ची को फ्राई करके निकाल लिया है। और 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें रहने देंगे बड़ा। और इसमें हम डालेंगे आधा छोटा टेबलस्पून राई और जीरा 1 टेबलस्पून। और इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून धनिया, जो अखा आता है वो डालना है हमें। और इसे हम भून लेंगे। गैस को हम मीडियम रखेंगे और अच्छे से हम फूटने देंगे सारे जीरा, राई और धनिया को। और इसमें हम डालेंगे 8 से 10 कड़ी पत्ता, कड़ी लीव और 1 चुटकी हींग। तो भून लेती हूँ। तो ये राई, जीरा और सूखा धनिया अच्छे से फूट गया है और गैस को मैंने कम कर दिया है। इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। मैं डाल रही हूँ आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मिर्ची पाउडर। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जैसा आपको खाना पसंद हो।
और इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला और इसे अच्छे से भून लेंगे मसाले को, एकदम गैस को कम रखेंगे। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, तो इसमें मैंने 1/4 कप पानी डाल दिया है। पानी डालने से क्या होगा, मसाला जलेगा नहीं और पक जाएगा, तो इसे मैं अच्छे से भून लूँगी मसाले को। तो ये मसाला हमारा अच्छे से भून गया है और देखिए मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। जो हमने बेसन फ्राई किया था उसका 2 भाग कर लेंगे और सारी मिर्ची को इसके अंदर हम डाल देंगे और अच्छे से मसाले में इसे हम मिक्स करेंगे कि जो मिर्ची पे अच्छे से मसाला लग जाए। तो मैं अच्छे से मिला लूँगी और देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, उतना खाने में भी है, स्पाइसी चटपटा और मज़ेदार है। तो ज़रूर बनाइए आप, एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। और अच्छे से मैं इसे चलाते हुए मिक्स कर लूँगी और गैस को हमें कम रखना है। तो ये मैंने थोड़ा सा पका लिया है और अच्छे से चलाएंगे, गैस को हम कम कर देंगे, तो एकदम कम कर देना है। और इसमें हम डालेंगे नमक, और नमक आप ध्यान से डालिए क्योंकि हमने पहले भी बेसन के घोल में नमक डाला था, तो ध्यान से डालिए और इसे अच्छे से हम चला लेंगे। तो ये सब्ज़ी हमारी पक गई है और इसमें हम डालेंगे हरा धनिया 4 से 5 टेबलस्पून और इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे धनिया को सब्जी में, और जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी है। तो मैं अच्छे से मिला लेती हूँ और सर्व करती हूँ निकाल के।